बोली जी मिस्टर सिंह जो डॉल्फिन बचाओ में सबको पता है हमारे टीचर से है शुक्ला सर। और सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे गुरु भी हमारे साथ है प्रधानमंत्री वाइस चांसलर श्री अरविंद सिंह सर, हमारे बैचमेट फॉरेस्ट सर्विस के अमित कुमार, सभी अधिकारी और छोटे छोटे बच्चे आए हुए पत्रकार मित्रों। सबसे पहले हम माननीय उप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे काम को रिकॉग्नाइज किया गया और हमें अप्रिशिएट किया गया और बताया गया कि अपने काम करने वाले को ऑलरेडी अवार्ड दिया जाएगा। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पहले भी मिल चुका था, मैं बेसिकली गुजरात कह रहा हूँ, यहाँ रेपुटेशन से आया हूँ और बहुत कुछ करने की तमन्ना लेके आया हूँ और बहुत जल्दी ही मेरी पोस्टिंग भी सरकार ने बहुत अच्छे जगह की, उसके बाद मैंने काम करना शुरू किया। आज क्योंकि भव महोत्सव के अवसर पर मुझे बोलने का मौका दिया गया है तो मैं बताना चाहता हूँ, जब बिहार में बाढ़ की स्थिति आती थी तो मैं जब मई में पोस्टिंग हुई उसके बाद जितने भी इंडेटमेंट तटवन से बागमती अद्वारा समूह थे वहाँ मैं विजिट करता था तो देखता था कि पूरा का पूरा इंडेटमेंट खाली है, यानी कि अगर वहाँ पे पेड़ पौधे हो तो इंडेटमेंट करने का चांस कम हो जाता है और जो रिक्वायर होता है मृदा अपरदन होती है उसको रोकने के लिए भी पौधे लगाने जरूरी है। और पौधे को लगाने के पीछे एक रीजन यही था कि मैं किसी ज्योग्राफी का स्टूडेंट रहा हूँ और मेरे दुनिया बैठे हैं तो पौधे के बारे में कितने फायदे हैं उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता था। इसकी मेथोडोलॉजी हम लोगों ने तैयार शुरू की थी 15 जुलाई से, इसके लिए हमने बड़े पैमाने पर ड्राइव चलाए थे, लोगों से आग्रह किया था, दो तरह के हमारे ड्राइव चल रहे थे। नरेगा से हम लोगों ने 4.5 लाख पेड़ लगाए थे, इसी तरह से जीविका में हमारे पास 2.5 लाख से ज्यादा संगठन था जिसके द्वारा हमने 10 लाख से ज्यादा पौधे लगाए थे, स्कूल के बच्चों को आग्रह किया गया था, उसके अलावा जितनी भी हमारी सेविका सहायिका स्कूल के नया प्रयोग किया था यूथ फॉर डीएम। ये सीतामढ़ी में चल रहा है कि हर वार्ड में 10 हमारे वॉलंटियर हैं जो हमारे साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं जिनकी संख्या लगभग 5500 है, कम से है 10 और मैक्सिमम 20 तक हमारे वॉलंटियर हैं जो इसके की रोल के रूप में काम कर रहे थे। उनके सभी डिटेल 2 मोबाइल नंबर तक हमारे पास था जिसके द्वारा हम उनको मोटिवेट और मॉनिटरिंग कर रहे थे। 10 अगस्त को हम लोगों ने सुबह स्टार्ट किया था एसएसपी कैंप गलती बटालियन से पौधा लगाना और सेम टाइम पे ड्राइव चला के 40,52,800 की पोस्टिंग हुई और पौधे लगाए गए। आप सोच सकते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से फॉरेस्ट विभाग को 40,000 पौधे लगाने थे लेकिन उन्होंने 2.5 लाख पौधे लगाए। उसी तरह से नरेगा में हमें जो टारगेट दिया गया था उससे हम लोगों ने 4.5 लाख ज़्यादा पौधे लगाए, सामाजिक वानिकी की तरफ से पौधे लगाए, यानी कि उसमें सभी लोगों ने पार्टिसिपेट करके पौधे लगाए। अब हमारे लिए चैलेंज है कि पौधे को किस तरह से सेव किया जाए। अच्छी बात यह रही कि सीतामढ़ी को 96% वर्षापात यानी वर्षा प्राप्त हुई जिसके चलते उसको हम लोग सेव कर पाए। आने वाले समय में आप जब सीतामढ़ी आएंगे तो रोड के किनारे आपको फल पौधे मिलेंगे और हमारी यह कोशिश थी कि पौधे जो है वो फलदार ज़्यादा हो, सागवान की के पौधे लगाए जाए। और यही वजह रही कि 10 के पहले 7 से लेकर हमने 9 तारीख तक गड्ढे छोटे छोटे गड्ढे छुड़वाने शुरू किए थे और हाजीपुर से पौधे लिए गए। इतना ही नहीं बल्कि नानपुर और गोखरा ब्लॉक में जो पौधे आए वो लखनऊ से पौधे मंगाए गए थे, यानी हमारे यहाँ पौधे की शॉर्टेज हो गई थी और हम लोगों ने पौधे जो है वो दिवरा मधुबनी मुजफ्फरपुर आसपास के जितने भी नर्सरी थे वहाँ से प्राइवेट। और सबसे बड़ी बात रही कि कई लोगों ने कहा कि हमारे पास पौधे उपलब्ध नहीं है तो हमने उनको आह्वान किया था कि आप पौधे अपने बागान के उन पौधों को निकाल के थल्ला लगा के पौधे लगाएं जो अभी तक विकसित नहीं हो पा रहे हैं। इसको समझने के लिए आपने लोगों को यह समझाया कि जिस तरह से धान के बिखरे से धान प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसी तरह से आपके बगीचे में बहुत सारे एक जगह झुलमुट में बहुत सारे पौधे हैं, उस पौधे का डेवलपमेंट तब तक नहीं हो सकता है जब तक उसको प्रॉपर केयर नहीं मिलाएगा। यही वजह रही कि 12 से 15 लाख पौधे 10 दिन पहले तो लोगों ने थल्ला मार के और लगा के और उसका व्हाट्सअप और फोटो भेजना शुरू किया और इसको रिकॉग्नाइज करके इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज भी कर दिया गया। 40,50,800 पौधे लगाए, 52,000 पौधे लगाए गए थे उसको और इसको जो है जबकि सीएम साहब को पता चला उन्हें शाबाशी जो है फोन करके भी दिया और आज उन्हें सम्मानित कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद।
और पौधे लगाना बहुत जरूरी है, आप सबको पता है, खासकर बच्चों को, कि जब तक वृक्ष है तब तक वो लोग जिंदा है, वृक्ष है तो पानी मिलेगा, सबको पता है। इसलिए आर्थ को बचाने के लिए पौधों को रोकना बहुत जरूरी है, तभी हम लोग जो है समुचित रूप से बहुत उसके फायदे हैं। आपको बताएं तो बहुत फर्टिलाइजर देना, इवेंट की अभी बारिश नहीं हो सकती है जहाँ सबसे अधिक पौधे हो, क्योंकि फसल के बाद वही बादल बन सकता है। यह हमें समय दिया गया है, से बात करके ज्यादा नहीं बोलूंगा। एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी श्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बुलाया और सम्मानित किया, और सभी वन विभाग के जुड़े हुए जितने भी हमारे ऑफिसर हैं, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।